तहत एक्टर नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक बार फिर सामने आई हैं। ऐसा किस लिए? सबसे पहले अब आप राखी सावंत का वो बयान देखें और सुनिए जिसके बाद बॉलीवुड में धमाल मच गया था। बहुत सताया तुमने मुझे। तुम कहती हो मैं मिस इंडिया हूँ, उस वक्त मिस इंडिया हूँ। हाँ तुम मिस इंडिया हो, मैं भी मिस अंधेरी वेस्ट हूँ, समझी? अब तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। वो किसके शो में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही हो? तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है, वो गोस्वामी कौन है, अर्णव गोस्वामी जी के साथ। उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। कोर्ट में मैं भी कहूंगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। हाथ खाने के लिए दिए जाते हैं, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तुमने मुझे टच किया है। यहाँ टच किया तुमने मुझे कि तुमने मुझे मेरे जिस्म को कहीं का नहीं छोड़ा। तनुश्री दत्ता, तुम एक लेस्बियन हो, तुम मुझे इतना चाहती हो मुझे पता नहीं था। तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है मेरे लिए। हाँ तुमने अपने बाल मुंडवा दिए मेरे लिए, ये तो चैलेंज लगी थी ना। तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए बाल मुंडवा दूंगी, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, मुझे क्या पता था। तुम बहुत अच्छा गेम कर रही हो, बहुत अच्छा खेल खेल रही हो, पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो। और तुम्हारे चक्कर में जिन जिन लड़कियों के पास काम धंधा नहीं है, काम नहीं है, जो इंडस्ट्री में हार चुकी है, ऑडिशन देते देते, स्किन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देते देते, अब उनको लगता है कि हम न्यूज़ चैनलों में जाके बैठ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तनुश्री दत्ता के साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन थे। रेव पार्टी होती थी और मैं जाती थी, मुझे लेकर जाती थी तनुश्री। मैं तो काफ़ी लोगों के साथ गई हूँ वैसे पार्टियों में, नई नई थी। आप जानते कि मिका की पार्टी में भी एक बार गई थी। देखिए भाई प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो तनुश्री दत्ता ने सिर्फ रेप आदमी नहीं करता है, तनुश्री दत्ता ने भी किया है मेरे साथ, मेरे उन पार्टों को प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। अरे क्वाइट प्लीज यार, क्या कर रहे हो आप लोग? ये वीड बहुत सारी चीजें, क्या चीजें होती है फुल हाई होके। आज तक मैंने तुम्हारा राज राज रखा तनुश्री, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, मैं कोर्ट में भी कहूंगी ये सारी बातें जज साहब के सामने। हाँ क्यों, सिर्फ एक आदमी औरत के साथ करता है तो वो होता है केस। अब तो 377 ना वो तो लागू हो गया है ना, तो अब तो लीगली हो गया है ना। तो मैं कहती हूँ ना कि तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया है। अब और कितनी बेशरम हूं मैं। ये आप तनुश्री को भी पूछिए ना, आप तनुश्री को भी पूछिए ना कि 10 साल के बाद वो सारे केस वो ला रही है। तो मैं अभी तक खामोश थी एक लिहाज करते हुए। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने आप को दुनिया को पता चले कि मेरे साथ राखी सावंत नाम है, किसी को मार देती है, राखी सावंत पटक देती है। लेकिन एक दोस्त नहीं, एक लड़की नहीं, दोस्त दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जिंदगी भर का जहर, हाँ जिंदगी भर का गम इनाम दिया है। वो तो मेरे दोस्त थे ना। बहुत आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन इस दुनिया में भी लेस्बियन है। अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में भी है। और किसी का नाम लेके मैं बदनाम नहीं करना चाहूंगी। तनुश्री का इसलिए ले रही हूं
क्योंकि उसने मुझ पे केस किया है और अभी मैं जज साहब को सब बताऊंगी। इस बयान के बाद तनुश्री दत्ता ने कहा है कि मैं ड्रग्स की आदि नहीं हूं और ना ही मैं सिगरेट और शराब का सेवन करती हूं। मैं लस्बिन तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं एक ऐसी महिला हूं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूं और जो लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं सोचते हैं उनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसमें नए न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।